सलूटम बतल कमरिया मोरे ओए पतली कमर, अरे मूजरा पूरा हो गया तो फटाई कर ले। तो मैडम आज का तो टेस्ट था ना? अरे हाँ रे, मेरे तो दिमाग से निकल गया। चलो मौखिक टेस्ट लेंगे आज, अपने अपनी कॉफी बैग में डाल दो। मैडम जिसके पास बैग ना हो वो क्या करे? बेटा तू तेरी कॉफी को बाहर ही रख, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तेरे दिमाग की तरह तेरी कॉफी भी खा ली होगी। अरे ताऊ तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे पीछे बैठ, पीछे वालों को कुछ नहीं दिख रहा। मैडम जी पैसे लेते टाइम तो कुछ ही नहीं बोलते हो, और वैसे बोलते हो पीछे बैठ। हाँ तो सभी बच्चे तैयार हैं? यस मैम। हाँ पीछे से डेडिल तू खड़ा हो। मैडम जी मुझे बोल रहे हो क्या? अरे हाँ ताऊ तू ही। कोई एक ऐसा वाक्य सुना जिसमें उर्दू हिंदी पंजाबी इंग्लिश का प्रयोग होता हो? अरे मैडम इतना सस्ता सवाल, इसकी दी गली में चिन्नो एंट्री। अरे ताऊ पूरे पाषाण काल से तैयारी कर रहा है, एक क्लास भी पास नहीं हुई तेरे से। अरे अब तो छोड़ दे, अरे कोई धंधा ही कर ले। मैडम जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं सोच रहा हूँ 2-4-5 बकरे ले आऊं, लेकिन मैडम हार नहीं मानूंगा मैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे कोई रील नहीं बन रही यहाँ, इधर आ जा और मुर्गा बन जा, तू खड़ा हो रे। हाँ तो तू ये बता टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मैडम 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। शाबाश बेटा शाबाश। अरे सीखो कुछ इससे, तू बैठ जा बेटा, राहुल तू खड़ा हो। हाँ तो तू ये बता बाहर से विदेश जाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम गई तो थी। अरे ये तो मुझे पता है, गई तो थी लेकिन कौन गई थी? अरे सीता माता बोल दे, बता दे सीता माता। हाँ मैडम याद आया याद आया, माता सीता गई थी श्रीलंका। अरे तू इधर आ जा और ताऊ के साथ मुर्गा बन जा। अंकित तू खड़ा हो रे। जी मैम। जले पे नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ उदाहरण से समझा। पेट्रोल पंप पर मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखकर मां कसम मिर्ची बहुत लगती है। बात तो सही है बेटा, चल तू ये बता ताजमहल किसने बनवाया? मैडम आप भी किस जमाने की क्वेश्चन पूछ रही हो, उस टाइम मेरा दादा ही पैदा नहीं हुआ था तो मुझे कैसे पता किसने बनाया होगा। मैडम मैं बताऊं? हाँ किसने बनाया था? कारीगर ने बनवाया था। अरे किसने बनवाया था? ठेकेदार ने। दखा देगा बाहर निकल इसको। मीना बेटी तू खड़ी हो, ताजमहल किसने बनवाया था? मैम शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। गुड बेटा गुड, बैठ जा। चलो रे बैलो बैठो अपनी क्लास में, कल याद करके लेके आना। ये किसने निकाला है 6 महीना पुराना? ये काम मीना का ही है, मैम ने मेरे को और इसके पीछे बिठा दिया, मुलिया इनके बारे की है। कौन है? अरे मैडम इतनी बुरी बदबू तो टट्टे में नहीं आती, कौन है जो जाके नहीं आया? नहीं मैडम मैं तो सुबह 4 बजे जाके आया हूँ। जरूर तूने किया है। अरे मैं तो सुबह से 2 बजे जाके आया हूँ, मैं नहीं हूँ फिर तो। साले काम तेरा और मीना का नाम हमारा लगा था, फिर से बोला तो पीछे वाला काकड़ा तोड़ दूंगा। मैम हमने कुछ नहीं किया, ये इस काम में इनका दोनों का। फिर तो आधा पाधा करना ही पड़ेगा। ए, क्या आधा पाधा लगा रखा है, ना तो खुद पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है। अब सभी का लिखित टेस्ट लगेगा और जिसके भी कम नंबर आए उसकी कॉपी की फोटो फेसबुक पे अपलोड करूंगी और उसके बाप को मेंशन करूंगी। सभी तैयार हो जाओ और अपनी अपनी कॉपी में से एक एक पेज निकाल लो। ओके मैम। ए,
दो दो मीटर का गैप बना लो अपने बीच में, क्या गुसर गुसर लगा रखी है। ये अंकित कहाँ गया रे? अरे मैडम जी आप इससे बच के रहा करो, इसको जादू आती है। अरे जब टेस्ट होता है ना सभी को आने लग जाता है जादू टोना, तुम तो एक एक मीटर की दूरी बना लो और टेस्ट दो। ले रे। अरे घर पे नींद नहीं आती क्या जो यहाँ के सो रहा है? बेटा ध्यान रखना, तेज सूख पे पूरे गांव के साथ तेरा बाप भी दिखेगा। देखने तो मैडम कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम जी मम्मी पापा की तो सुनता नहीं और इसे दुनिया की परवाह है नहीं। बेटा मुझे ऐसे लगता है इससे ज्यादा तुझे पता है इसके बारे में। नहीं मैडम, पड़ोसी है हम दोनों। अरे तुझे हमारी कोचिंग मिली थी क्या पढ़ने के लिए? अरे और कोई कोचिंग देख ले, उसमें चला जा, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। मैडम 360 कोचिंग है गाँव में, ये तो मैं इसलिए आता हूँ इस कोचिंग में क्योंकि पूजा आती है यहाँ। नहीं आ जाऊँ कल आऊँ मैं यहाँ। अरे भाई तुम्हें याद नहीं है क्या, अरे पूजा ने तो कल ही वो दूसरी हनुमान मंदिर के पास वाली कोचिंग ज्वाइन कर ली। तुम कौन से ख्यालों में हो? सच में तेरी कसम, पहले क्यों नहीं बता रहे? अरे क्या बताता यार, तू सी उसकी तरफ ध्यान देता, मेरी तरफ कभी ध्यान दिया है क्या? तेरे को बताऊं? हाँ यार मैंने भी देखा था, दो दिन से वहीं जा रही है वो। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे वहीं जाना चाहिए। अरे जा जा मनुष्य, 101 का प्रसाद हो चढ़ाऊंगी बालाजी के, और ये शक्ल मत दिखाना दोबारा, निकल। हाँ जा रहा हूँ, तो कोई छोरी छापरी तो आती नहीं यहाँ, खुद ही बैठी रहती है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, चल रहे यार चलते अपन भी। मैं भी चल रोज रोज इस मैडम की शक्ल देख के पक गए।